उन्नाव मामले पर बीजेपी के नेता ने बेतुका बयान दिया है। ऐसी छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, ये कहना है बीजेपी के नेता का। पूर्व सांसद और यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुगल किशोर, और ये कह रहे हैं ऐसी छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। वाकई में मानसिकता देखिए, ये हमारे लीडर हैं और इन्हें चुनकर किसने भेजा है, हम और आपने, तो हमें भी सोचने की जरूरत है कि हम चुन किसे रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं बने हैं हमारे लीडर, हमने चुना है। ये जुगल किशोर जो है, ये जिस इलाके से आते हैं वहां की जनता ने इन्हें वोट किया होगा, क्या सोचकर वोट किया है इस तरह की बयानबाजी करने के लिए, जो खुद इस तरह की छिटपुट घटनाएं बता रहे हैं। एक पीड़िता को जला दिया जाता है और छिटपुट घटनाएं कहते हैं, तो मानसिकता देखिए। यही लोग होते हैं जो रेपिस्ट को बढ़ावा देते हैं कि क्या हुआ, अपराध अगर हुआ तो। ऐसी घटनाएं तो होती रहती है, इनके लिए कॉमन बात है। शायद इस तरह की घटनाएं इनके दिल को झकझोरती नहीं है। ये बीजेपी के प्रवक्ता है, ये वही बीजेपी पार्टी है। लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस तरह की बयानबाजी मत कीजिए, लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं कि अनाप शनाप बयानबाजी मत कीजिए, लेकिन कभी हिंदुत्व को लेकर, कभी किसी और मुद्दे को लेकर, और अब इतना संवेदनशील जब मामला है, पूरा देश एक तरफ एकजुट हो रहा है, निर्भया की बरसी करीब है, 16 दिसंबर 2012 पूरा देश उद्वेलित था, पूरे देश में आक्रोश था, और फिर से 7 साल बाद 16 दिसंबर करीब है, अभी हैदराबाद में घटना हुई है और उन्नाव में ये ताजा घटना देखने को मिल रही है, और इस तरह से पूर्व सांसद और यूपी बीजेपी के प्रवक्ता इस तरह का बयान देंगे, तो यहां पार्टी को सोचने की जरूरत है कि क्या ऐसे लोग पार्टी में बने रहने चाहिए या नहीं। इसमें जैसे ही पुलिस को जानकारी हुई, पुलिस के संज्ञान में जैसे ही घटना की जानकारी हुई, त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ छापेमारी की गई और जितने भी आरोपी थे, पांचों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है, और गिरफ्तार करने के बाद जांच चल रही है। जांचोपरांत जो तथ्य सामने आएंगे उसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः उसका संज्ञान लिया है। घटनाओं के विषय में समाजवादी पार्टी से ज़्यादा घटनाएं किसी भी पार्टी में नहीं हुई हैं, और हमारी पार्टी में तो ये छुटपुट घटनाएं होती हैं जिनको कहा जाए कि एक दूसरे के विरोध में। हमारी पार्टी ने इतना संज्ञान लिया है, जैसे सरकार बनी योगी जी ने अपराधियों पे इतना बड़ा शिकंजा कसा है कि अपराधी डर करके उत्तर प्रदेश भाग गए हैं।